सो सुहेगा गाइस स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल डीके में एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड जिसे आप टी टी एम एल के नाम से जानते हो टेली सर्विस आप देखो भी टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है तो टेली सर्विस कंपनी जो आपको ये प्रोवाइड करवा रही है तो यहाँ पर अब मेन बात क्या है कि स्टॉक के अंदर आज बड़ा ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक ने अपर सर्किट हिट किया है उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैंने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी सुबह वाली मॉर्निंग में जब ये स्टॉक अपर सेक्टर लगाया ना तब मैंने आपको बता दिया था कि स्टॉक के अंदर तेजी क्यों बनी है अब मैन बात आती है इसके आगे टारगेट को लेकर कहीं स्टॉक के अंदर ये दो दिन तेजी बनकर ऊपर से माल तो नहीं निकलते हुए नजर आएगा कहीं स्टॉक अंदर फिर से गिरावट तो नहीं होने वाली है कल तो आपके बहुत सारे सवाल है हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा फ्रेश एंट्री को लेकर मैंने आपको दिन में ही बोल दिया था कि स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हो बट स्टॉक नहीं मिल रहा था भाई ठीक है मेरे को भी नहीं मिला बहुत सारे जो पब्लिक है उनको नहीं मिले स्टॉक नीचे से जिन्होंने उठाए हैं उनको जरूर मिले होंगे लेकिन अब सर्किट के बाद में मुश्किल ही स्टॉक किसी को मिला होगा तो क्योंकि अब आप देखोगे अपर सर्किट में स्टॉक हिट हुआ है तो आज का दिन जो डाटा इसका निकला है वो हम आपको बताऊंगा और कल के दिन स्टॉक में क्या हो सकता है कल के लिए क्या डाटा हमें देखने को मिला है तो आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने आज फिर से अच्छी तेजी दिखाते हुए नजर आया काफी टाइम के बाद आप देखोगे एक सौ से स्टॉक के अंदर गिरावट होने लग रही थी ठीक है एक सौ से आप देखोगे स्टॉक आ चुका था नाइन्टी के आसपास नाइन्टी से स्टॉक ने आज फिर से दम दिखाया है ऊपर में स्टॉक ने जो आप देखोगे यूसी लगाते हुए नजर आए हैं पाँच परसेंट के स्टॉक में तेजी बनी है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर आप देखो जो वॉल्यूम लगी है आज के दिन 18 लाख के आसपास जी हाँ अठारह लाख के आसपास गज़ब की वॉल्यूम लगते नजर आई है जिसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उन्नीस हजार नौ सौ उनासी करोड़ के हो चुके है और एक साल में स्टॉक ने लगभग चौंतीस परसेंट के रिटर्न निकाल कर दिए हैं तो चलिए देखते हैं कल के क्या हो सकते हैं लेवल और क्या हमें कल फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं तो चलो तो यहाँ पर आप देखोगे एन एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कल की बात करें तो कल के क्या हो सकते हैं उससे पहले आप देखोगे आज का जो डाटा है वो कैसा रहा है तो यहां पर आप देखोगे आपको डिलीवरी पोर्शन तो देखने को नहीं मिल रहे है बट यहाँ पर आपको एक बड़ा ऑर्डर देखने बाइंग के लिए बासठ हजार दो सो अड़तीस का जी हाँ बासठ का बाइंग के लिए ऑर्डर लगा हुआ है जो हमें एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है कल के लिए बट कल स्टॉक के अंदर ऊपर से माल भी निकल सकता है ठीक है आज जो स्टॉक भागा है आप देखोगे कल भी स्टॉक भागेगा ऐसी बात नहीं है स्टॉक अच्छी ओपनिंग ले है बट ऊपर से स्टॉक के अंदर प्रॉडिट बुकिंग देखने को मिल सकता है क्यों, कुछ कुछ खास ऑर्डर नहीं लगा भाई बासठ हजार का लगा है तो कल स्टॉक के ऊपर से भी माल निकल सकता है तो चलिए पर इसके क्या लेवल्स है वो हम देख लेते हैं आखिरकार तो यहाँ पर आप देखोगे चार्ट पर तो इसके जबरदस्त लेवल हमें देखने को मिल रही है। हैं स्टॉक के अंदर बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है आज के दिन जी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ट्रेंड को स्टॉक ने ब्रेक किया है ऊपर में और ऊपर में जो शेयर है ये आपको एक सौ दो रुपये के ऊपर क्लोजिंग लेते हुए नज़र आया है तो ऐसे में मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको बोला था कि स्टॉक के ऊपर में क्या लेवल से रह सकते हैं ऊपर में कल की बात करें तो कल अगर स्टॉक ये एक सौ छः रुपये पच्चीस पैसे को ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन करता है ठीक है तो स्टॉक आपको ऊपर में एक सौ आठ जो है ना एक सौ दस रुपये के लेवल आराम से दिखा पाएगा ठीक तो वहाँ से स्टॉक से आपको जो है ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है बट कल भी स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है लेकिन आपको घबराना नहीं है कि स्टॉक ऊपर से टूट रहा तो हम भी सेल कर दें ऐसा नहीं करना आपको आपको अपनी होल्डिंग जो ना बनाए रखनी है स्टॉक के अंदर अगर आपने नीचे से उठाया है अगर आपको कल मौका मिले स्टॉक को नीचे से उठाने का ठीक है तो कल भी आप स्टॉक को उठा सकते हो लेकिन कल के लिए जो इसका नीचे में आप देखोगे जो सपोर्ट रहेगा वो हमारा रहेगा 99 का मैंने आपको पहले बोल दिया था कल के दिन 99 का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर 99 के स्टॉक नीचे में जाए तो वहाँ पर सेल करना आई थिंक सही रहेगा लेकिन स्टॉक 99 से ऊपर में रहता है कल के दिन तो स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बन सकती है और ऊपर में जो शेयर आपको ये मैंने आपको बोले लेवल जो वो दिखा सकता है आराम से ऊपर में आप देखोगे एक सौ आठ लेवल कुछ दूर नहीं है एक जो एक सौ दस लेवल स्टॉक आपको आराम से दिखा पाएगा लेकिन नीचे में सपोर्ट का रहना काफी ज़्यादा जरूरी है जो नाइन्टी का हमें देखने को मिल रहा है बट यहाँ से स्टॉक के अंदर तेजी बनना लाजमी है और ऊपर में आप देखोगे स्टॉक आपको कल एक सौ के ऊपर में अगर दिखाई दे तो वहाँ पर आप देखो छोटे पोजिशन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा इंट्री लेना ठीक है तो कल के दिन के जो लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो